वक्त सुबह के 6:33 हो रहे हैं। आज ईद है, फर्स्ट डे, और आज ही अल्लाह ताला ने मुझे ये ईद गिफ्ट देना है कि इंशाल्लाह मेरे 5 लाख सब्सक्राइबर्स पूरे हो जाने हैं। अभी मेरा सोना भी ज़रूरी है, तो चलें उठ के देखेंगे। देखते हैं, रेडी? यस। अभी 500 के हुए नहीं है। आर यू रेडी मिशी? यस। ओह वाओ, मेरा ख्याल है रास्ते में चलते चलते या वहाँ पहुँचते भी ना हमारे 500 के हो जाएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, ईद पे अल्लाह ताला अच्छा गिफ्ट दे रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, जबरदस्त है यार। ईद मुबारक। हम शारजा के बिल्कुल पास वाली स्टेट में गए थे, रासल खैमा। हमारे घर से 55 मिनट्स की ड्राइव पे एक और सिटी कह लें तो यहाँ पे मरजान आइलैंड है और उसके अंदर बना हुआ है हैम्पटन बाय हिल्टन। तो यहाँ पे हमने अपनी बुकिंग कराई थी। ईद पे हमारा बिल्कुल भी इस बार ईद मिलन पार्टीज और ये वो का दिल नहीं कर रहा था, आपस में टाइम स्पेंड करना था। सो सोचा कि जाके तो छोटी सी एक स्टेकेशन कर लेते हैं। तो बहुत अच्छा था ये। यूएई में जब हम पहली बार मूव हुए थे तो रमादा में रहे थे, उसके बाद 1.5 साल में ये पहला हमारा होटल है जिसमें हम स्टे कर रहे हैं। बहुत ही मजे का होटल है, बहुत अच्छा है। अभी मैं आपको अपना रूम टूर दिखाती हूं। एंट्रेंस से यहां पे आते हैं तो ये व्यू आता है रूम का। स्टार्ट में पैनल है, इधर से सारी एसी, लाइट, शावर्स वगैरह हर चीज एडजस्ट हो जाती है। उसके बाद हम ये जाते हैं तो ये है वॉशरूम। ये मुझे मज़े का लगा है कि बॉडी लोशन वगैरह छोटी छोटी बॉटल्स नहीं है क्योंकि वो ना मुश्किल हो जाती है यूज़ करनी, तो ये इन्होंने यहाँ पे ऐसे लगाया हुआ है। हाय। शावर कैबिन है, अम्मी अबू का घर याद आ गया, उनका भी बिल्कुल ऐसा ही शावर कैबिन लगे हुए हैं। और ये भी सारा कबर्ड का पोर्शन है और इसमें सेफ और फ्रिज और टी स्टेशन बना हुआ है। मिनी बार नहीं है ये, जो कि अच्छी बात है। मिनी बार काफ़ी एक्सपेंसिव होती है और बच्चे आके सबसे पहले अटैक ही इधर करते हैं। सो एम्प्टी फ्रिज रखा हुआ है। गुड। ये है जी हमारे रूम का व्यू। और ये है मेरे हस्बैंड का व्यू। आज ये बात करेंगे और आप सुनेंगे। शहजाद, आप पूरा महीना सारे कहते रह गए कि शहजाद भाई बोलते क्यों नहीं, और मैंने आपकी बोलती बंद कराई हुई थी, मैं वॉइस ओवर कर लेती थी, तो अब आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? और हाँ, थैंक यू ये रूम दिलाने के लिए, मजे करा दिए। वॉइस ओवर नहीं हो रही यार। 500,000 सब्सक्राइबर्स के ऊपर, कम ऑन, यू डिजर्व इट यार। थैंक यू, थैंक यू। तो आज मैंने आप सबकी ख्वाहिश पूरी कर दी कि शहजाद आप कहते हैं वीडियो में बोलते क्यों नहीं हैं, बात क्यों नहीं करते, तो आज उन्होंने बात भी कर ली। एक्चुअली क्या है कि नौश किचन रूटीन पे मैं ज़्यादातर वॉइस ओवर्स करती हूँ, तो इस वजह से उनकी इतना बीच में वो तो क्या, बच्चों की भी इतनी बातें नहीं होती हैं। व्लॉग चैनल डिफरेंट है और इवन ये वीडियो भी वैसे व्लॉग स्टाइल है, इसलिए शहजाद इसमें गपशप लगा रहे हैं। लेकिन चूंकि मैंने आपसे पूरा रमज़ान नौश किचन रूटीन पे आप मेरे साथ रहे हैं, तो मैंने सोचा कि जो हमारी ईद की जो एक्टिविटीज़ हैं वो भी मैं आपसे इसी चैनल पर शेयर कर लूँ। उसके बाद फिर नौश व्लॉग्स के ऊपर इस टाइप के व्लॉग्स अपलोड होंगे और नौश किचन रूटीन पे आपको मेरी डेली लाइफ नजर आएगी किचन से रिलेटेड। शहजाद ने जो रूम मुझे दिलाया है ना, वो इतना मजे का है कि मुझे वो देख के फिर से अजमान याद आ गया। बिल्कुल सामने सी ही सी है। एक दिन के लिए भी यहाँ पे आए हैं क्योंकि छुट्टियां ईद के बाद है ही, थर्ड डे आखिरी छुट्टी है और फोर्थ डे से जो है वो ऑफिस है, तो एक दिन के लिए हम बस यहाँ पे आए हैं। तो मेरे साथ आप शाम को चाय पियेंगे ना, रात को, है ना? रात को डिनर भी हमारा यहीं पे है, हैम्पटन का। हमने सुना है कि बहुत अच्छा बफे होता है और इनका ब्रेकफास्ट भी जो है वो बहुत अच्छा होता है। सो ब्रेकफास्ट तो इसमें इंक्लूडेड है जब आप लेते हैं यहाँ से रूम, और कॉम्प्लीमेंट्री है और लेकिन वो भी बफे है, और डिनर जो है ना वो हमने ले लिया है। वाह, वो देखिए क्या मजे का व्यू है। नाइस। और ये पूल है। देखे तो ये छुप के वीडियो बना रहे थे, क्यों? जाए नमाज आ गया, नमाज पढ़ते अब खाने नहीं दे रहे की रात तक खेलना। ये जो देखा है, ये रखा हुआ है ना, ये अभी इतना भूखा नहीं है। नहीं, लेकिन सहरी तो नहीं की मैंने। Yeah.
यहाँ पे बहुत सी स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ होती हैं, बहुत मज़ा आ रहा था देख देख के, लेकिन हमें कुछ भी ज़्यादा पता नहीं था। तो एक दिन के लिए हम आए थे, उसमें क्या हो सकता था, दोपहर में एक दिन चेक इन किया और अगले दिन दोपहर में चेकआउट करना था। सो अगली बार दोबारा आएंगे और 3-4 दिन का मार्जिन लेके आएंगे, फिर बहुत सारी स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ करेंगे और खूब इंजॉय करेंगे। तो यहाँ पर हम मॉल में आ गए थे लंच करने के लिए, तो यहाँ पर हमें नज़र आ गया था नैंडोज़, तो हमने कहा कि चलें इससे बेहतर क्या जगह हो सकती है, जाके नैंडोज़ से खाना खाते हैं। 499.904 वाह जी वाह, मुझे ये डर लग रहा है जितना हम एक्साइटेड हुए मैंने एंजॉयमेंट के लिए, तो बीच में एकदम 5K हो भी जाने पता ही चला। चलिए कोई बात नहीं है, लेकिन उसी के लिए आया है ना, उसी के सेलिब्रेशन के लिए इधर आया है ना। एक आपने एक ऐसे पीछे ले, ओके हाँ हाँ, नेक्स्ट एक ऐसे और नेक्स्ट ये देखो जरा आपकी आखिरी क्रू कौन लेगा देखो तो ठीक मिशू यमी यमी। वैसे तो हमने सऊदी अरब में भी नैंडोज़ खाया है और अभी यूएई में भी खाया है, यूएई में सेकेंड टाइम हम खा रहे हैं, तो अच्छा होता है, ठीक है, बहुत टेस्टी होता है, लेकिन जो पाकिस्तान में नैंडोज़ मिलता है उसकी क्या ही बात है। तो आप जोन जोन से भी कंट्री में ना मुझे बताएं कि क्या आपके कंट्री में नैंडोज़ मिलता है, और अगर मिलता है तो उसका कैसा टेस्ट है। यहाँ पर भी मतलब स्पाइस का लेवल डिफरेंट होता है, सब सही है, लेकिन एक सऊदी टाइप का टेस्ट फिर भी आता ही है, लेकिन जो हमारा देसी स्टाइल नैंडोज़ है वो तो अमेजिंग। अलहमरा मॉल है और उसके बाहर की जगह है बहुत अच्छी। अली बच्चे तो खूब इंजॉय कर रहे थे, और वापस आगे रूम में तो आके देखा तो यहाँ पे उन्होंने ये रखी हुई थी स्वीट्स और इस पे ईद मुबारक लिखा हुआ था, तो मैंने तो खुद ही सारी प्लेट खा ली किसी का वेट ही नहीं किया। शाम का टाइम कितना प्यारा है ना, खाना वगैरह खा के आ गए हैं और ना शाम होने वाली है, अभी बस मगरिब का वेट कर रहे हैं। सारा मेकअप मुझे रिमूव करना पड़ना है और फिर से वजू करके मेकअप करना पड़ना है। तो खैर अभी तक मैंने ना प्रॉपर अपने ईद के ड्रेस में कोई पिक्चर ही नहीं फुल बनवाई, और अब जब मैंने अपना हिजाब उतार दिया तो मुझे याद आया कि ओ पिक्चर तो बनाई नहीं, तो चलिए दोबारा से मेकअप करूँगी, दोबारा से पिक्चर बना लूँ, कोई बात नहीं। हमारा कोई प्लान नहीं था बच्चों को पूल में लेके जाने का, क्योंकि एक ही दिन तो हमारा है और अगले दिन हमें वापस चले जाना है, तो नेक्स्ट टाइम फिर आएंगे तो फिर 2-3 दिन लेके आएंगे, फिर ये पूरा दिन पूल में बैठे रहें, कोई बात नहीं। फूड यहाँ का बहुत मज़े का था, और यहाँ पे ना मतलब स्पाइस लेवल भी हर एक की मर्ज़ी का भी था, और वैरायटी तो माशाल्लाह से बहुत ज़्यादा थी, तो काफ़ी इन्जॉय किया। हमें बफेज़ वही अच्छे लगते हैं जिसमें ढेर सारी वैरायटी हो ना, तो फिर बहुत मज़ा आता है। तो खैर हम खाना खाने थोड़ा सा लेट पहुँचे थे, क्योंकि हमने पहले लंच काफ़ी लेट किया था, नैंडोज़ जो हमने खाया था, तो इस वजह से यहाँ पर भी हम लेट आए। और सी साइड पे ना इन्होंने अरेंजमेंट किया हुआ था, बेली डांस था, लाइव म्यूज़िक वगैरह चल रहा था, तो हमें जब उसका पता चला तो हमने सोचा कि खाना जल्दी जल्दी ख़त्म करते हैं, तो जाके हम भी देख के आते हैं और फिर मैं आपके लिए रिकॉर्ड भी करूँगी, तो बस इसलिए बस स्पीड लगाई और खाना जल्दी जल्दी ख़त्म किया। खाने को तो हम इंजॉय कर ही रहे थे, लेकिन मुझे सारा टाइम ये टेंशन थी कि 500 जब के लिखा हुआ आएगा मेरे चैनल के ऊपर तो मैंने उसका स्क्रीनशॉट लेना है और मुझे वो चाहिए, तो बस इस वजह से ना काफ़ी मैं ज़्यादा थोड़ी सी जैसे कहते हैं ना कि एंशियस भी हो रही थी, कि मैं बार बार फ़ोन को देख रही थी कि कितनी सी हो गए हैं सब्सक्राइबर्स। थैंक यू सो मच आप सब का, आप सब 5 लाख लोगों का जो मुझे देखते हैं, और बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो सब्सक्राइब नहीं करते क्योंकि ऑलरेडी बहुत सब्सक्रिप्शंस उन्होंने की होती हैं, बट स्टिल वीडियोस देखते हैं, सब के लिए मेरी तरफ से ढेर सारा थैंक्स, और इतनी बड़ी ह्यूज फैमिली बनाने के लिए थैंक्स, और बहुत अच्छा लग रहा था, बहुत खुशी हो रही थी, और आई विश मैं आप सब से मिल सकती, आप एक एक से मैं मिल सकती कभी तो मैं ज़रूर मिलती, लेकिन चलें कोई बात नहीं। मैंने स्क्रीनशॉट इसीलिए लिया था कि मैं आपसे ताकि शेयर
कर सकूँ। अल्लाह ताला आप सबको बहुत खुश रखें, आपकी सब दुआएं कबूल फरमाएं, अल्लाह ताला आपको सबको कामयाब करें। और 500K की खुशी में मैं आपसे बहुत जल्द अनाउंस करूँगी कि आप मेरी वेबसाइट के ऊपर अपने आप को कैसे प्रमोट कर सकते हैं, क्योंकि मैं तो ज़्यादा से ज़्यादा यही कर सकती हूँ कि आपके कॉमेंट्स को पिन ज़रूर करती हूँ। एक अकेली मेरे लिए पॉसिबल नहीं है ना, कि बहुत सारे लाखों में लोग देख रहे होते हैं तो सबको शाउट आउट्स देना पॉसिबल नहीं होता, बट पिन कर देती हूँ। लेकिन आप सबके लिए बहुत जल्दी मैं गुड न्यूज़ फ्री ऑफ कॉस्ट लेके आ रही हूँ, तो मेरे चैनल को ज़रूर देखते रहिएगा। यहाँ पे पूल के पीछे वाली साइड पे सारा सी है और वहाँ पे प्राइवेट बीच है होटल का अपना। वहाँ पे जब जाके देखा तो कोई बैली डांस नहीं हो रहा था, बस लोग अपना बैठे हुए थे और बस म्यूज़िक जो है ना प्ले हुआ हुआ था ऊंची आवाज़ में, तो लाइव म्यूज़िक भी नहीं था। तो आई थिंक वो शो ख़त्म हो चुका था, सो हम अपना मुँह लेके वापस आ गए और तिहामी यहाँ लेटे लेटे सो गया था। बस उसके बाद थोड़ी सी पिक्चर्स बनवा ली और 500K पूरे हो गए अल्हम्दुलिल्लाह। आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो ईद की और हमारी 500K की। माशाल्लाह यार, माशाल्लाह, मबरूक यार, अल्फ मबरूक। ये देखिए 500K सब्सक्राइबर्स, ये अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। तो चलिए चलते हैं अभी। शोर 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 यार, मबरूक, वेल डिजर्व्ड यार। हाँ जी, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा यार, यार अमेजिंग अचीवमेंट यार, गुड़िया का अमेजिंग अचीवमेंट यार, हाफ मिलियन यार, अभी इससे 1 मिलियन बन जाएंगे। हाँ जी, इंशाल्लाह इंशाल्लाह। 500K की खुशी में मिशारी ने फ़ोन गिरा दिया है। अभी हम लोग जा रहे हैं इधर बाहर राउंड लगाने के लिए। हाँ, हम लोग बाहर राउंड लगाने के लिए जा रहे हैं और कोई चाय वगैरह वैसे बाहर से पिएं, घर में तो इधर रूम में तो है, लेकिन बाहर से घूम के थोड़ी पी लेंगे, है ना? हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। और बस चलते हैं, ट्रक वाली चाय ढूंढ रहे हैं। हाँ तो ये थी जी आज की वीडियो, आई होप आपको अच्छी लगी होगी। और बस उसके बाद हम लोग घर चले गए, चाय वगैरह पी, गपशप लगाई कार में लॉन्ग ड्राइव की। और थैंक यू आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया हमारा साथ देने के लिए, सपोर्ट करने के लिए। अल्लाह ताला आप सबको खुश रखें, आबाद रखें, आपकी सब दुआएं कबूल फरमाएं और आपको अल्लाह ताला इतना बेहिसाब दें कि बस जिसकी कोई हद ना हो। आमीन सुम आमीन। तो चलें जी, अब उसके बाद चलते हैं घर और आपसे मिलते हैं इंशाल्लाह डे 2 ईद पे इंशाल्लाह। दुआ में याद रखें, अपना ख्याल रखें, टेक केयर, अल्लाह हाफिज। चलो सोए नीनी, नीनी टाइम। वहाँ से ये लोग ऑफ करते हैं, इधर से ये ऑन कर देते हैं। मिशू, आर यू क्रेजी और व्हाट? मिशी, फ्रीज। देखो तो फ्रीज भी नहीं होता। ठहर जाओ, इसको ठीक करें। चलो चलो नीनी के लिए, चलो नीनी के लिए, निकले। आई दम कर दिया मम्मा को। मिशू गंदा बच्चा।